नमस्कार दोस्तों मैं रूपेश आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर आज हम पढ़ेंगे आयु संबंधी प्रश्न जो एस एस सी रेलवे और में बार बार पूछा जाता है यह आयु संबंधी प्रश्न का पार्ट टू वीडियो है आज के इस वीडियो में पांच टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है चलिए क्वेश्चन देखते हैं सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दो गुनी है यदि दोनों की उम्र का योग चौबीस वर्ष हो तो सुरेश की उम्र क्या होगी देखो प्रश्न में कहा गया है सुरेश की उम्र किरण की उम्र के दो गुनी है अब किरण को एक समान लेते हैं अब किरण से दो गुनी है सुरेश तो उसको टू एक्स मान लेंगे तो किरण को एक समान लेंगे और सुरेश को टू एक्स यदि दोनों की उम्र का योग चौबीस वर्ष हो अब दोनों की उम्र बोला है तो एक्स और टू एक्स को जोड़ देंगे और उनका योग कर देंगे तो चौबीस वर्ष हो जाएगा तो सुरेश की उम्र क्या होगी ये पूछा गया है तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं अब x और 2x को जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा और 3x एक्स इक्वल टू चौबीस अब तीन से 24 को काटेंगे तो आठ बार में जाएगा तो x बराबर आठ हो जाएगा अब देख x का मान निकल आ गया है मतलब किरण की उम्र निकल आ गया है अब क्या निकालना है सुरेश की उम्र क्या होगी तो सुरेश की उम्र कितना है 2x है तो 2x एक्स टू तो दो गुणित आठ तो कर देंगे तो आठ गुणित सोलह तो सुरेश की उम्र क्या हो जाएगी सोलह वर्ष हो जाएगी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखो इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है सीता की आयु चालीस वर्ष है तथा गीता की आयु साठ वर्ष है कितने वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात तीन अनुपात पाँच था इस टाइप का प्रश्न अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है चलिए देखते हैं तो चलिए मान लेते हैं कि एक सौ वर्ष पहले तीन अनुपात पाँच था तब सीता की आयु चालीस वर्ष है और गीता का आयु 60 वर्ष तो पूछा गया है कि कितने वर्ष पहले तो एक वर्ष पहले मान लेते हैं तो 40 माइनस एक हो जाएगा और गीता का हो जाएगा साठ माइनस एक्स अगर यही प्रश्न में कितने वर्ष बाद दिया होता तो क्या करते चालीस में प्लस एक्स कर देते हैं और साठ में प्लस एक्स कर दे लेकिन यहाँ कितने वर्ष पहले बोला गया है पहले बोला गया है मतलब माइनस करेंगे चालीस माइनस एक से बटे साठ माइनस एक्स बराबर तीन अनुपात पाँच अब यहाँ तिरक गुणा कर देते हैं तब तो तिर गुणा करेंगे तो पाँच चौबीस यानी कि दो सौ और माइनस पाँच एक्स उसके बाद तीन से गुना कर देते हैं तो छः एक छः 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 थी अट्ठारह मतलब एक सौ अस्सी माइनस थ्री एक्स अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो पक्षांतर करेंगे तो 200 180 दो सौ में माइनस एक सौ अस्सी को घटा देंगे अब इधर पाँच एक में थ्री एक्स को घटा देंगे तो दो सौ में एक सौ अस्सी को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा बीस और पाँच एक समय तीन एक्स को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा टू एक्स तब इधर से देखो एक बराबर बीस बटे दो कर देते हैं तो दो से इसको काट देंगे तो एक बराबर कितना आ जाएगा दस तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात तीन अनुपात पाँच था हम कह सकते हैं कि दस वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात तीन अनुपात पाँच था चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों आयु से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करूंगा दोस्तों चलिए देखते हैं अगला सवाल राहुल और दीपक के आयु का अनुपात चार अनुपात तीन है छः वर्ष बाद राहुल की आयु छब्बीस वर्ष होगी तो दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी यह प्रश्न में पूछा गया है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं माना राहुल व दीपक के आयु वर्तमान आयु क्रमशः फोर एक्स और थ्री एक्स है तब प्रश्नानुसार राहुल की आयु पूछा गया है तो राहुल में छः वर्ष जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा फोर एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स लेकिन दीपक का वर्तमान आयु पूछा गया है तो ये हमें वर्तमान आयु निकालना है अब देखो छः को इधर पक्षांतर कर देंगे तो छब्बीस में छः घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बीस आ जाएगा तो फोर एक बराबर बीस हो जाएगा तो चार और बीस को कैंसिल कर देंगे तो कितना बार बचाए चार एकम एक चार चार दो में आठ चार छह बारह चार चार सोलह चार पाँच छः बीस पाँच बार में कट गया दोस्तों तो एक से बराबर पाँच आ जाएगा तो पूछा गया दीपक की वर्तमान आयु तो दीपक की वर्तमान आयु हो जाएगी थ्री एक्स है तो एक्स मान हमारा पाँच है तो तीन गुना पाँच करेंगे तो पंद्रह वर्ष हो जाएगा तो दीपक की वर्तमान आयु पंद्रह वर्ष हो जाएगी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है प्रश्न कहता है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की नौ गुनी है तथा माता की आयु पुत्र की आयु की आठ गुनी है पिता और माता की आयु का योग इंकावन है तो पुत्र की आयु क्या होगी यह प्रश्न में पूछा गया है तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और बहुत ही मजा आने वाला है इस सवाल में बस इस वीडियो को पूरा देखते रहिए आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं चलिए अनुसार सॉल्व करते हैं माना पुत्र की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है तब पिता की वर्तमान आयु नौ एक्स है मान लेते हैं तथा माता की वर्तमान आयु आठ वर्ष है अब प्रश्न अनुसार सॉल्व करते हैं नौ एक्स प्लस आठ एक्स बराबर इंक्यावन तब आठ एक्स और नौ एक्स को जोड़ेंगे तो सत्रह एक्स हो जाएगा इंक्यावन तो है ही तो सत्रह को इंक्यावन से भाग करेंगे कितना बार में जाएगा तीन बार में जाएगा सत्रह तीय इंक्यावन तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा तीन वर्ष हो जाएगा तब पूछा गया है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी तो पुत्र कितना है पुत्र एक्स है तो एक्स बराबर तीन वर्ष तो इसका आंसर तीन ही आ जाएगा बहुत ही आसान सवाल था चलिए देखते हैं अगला सवाल एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र से तीन गुनी है बारह वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दो गुनी हो जाएगी तो व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करना है हमें तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको देखो एक व्यक्ति की आयु है जो पुत्र से तीन गुनी है बोल रहा है अब बारह वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दो गुनी हो जाएगी बोलता है तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं माना पुत्र की आयु x वर्ष है जब व्यक्ति की आयु बोला गया है तो उसकी तीन गुनी है बोला गया है जब पुत्र x वर्ष है तो उसका पिता कितना हो जाएगा मतलब व्यक्ति कितना हो जाएगा तीन एक्स हो जाएगा तब प्रश्नानुसार x प्लस बारह बराबर थ्री एक्स प्लस बारह लेकिन दो गुनी बोला गया है किसका पुत्र का तो टू एक्स प्लस बारह बराबर थ्री एक्स प्लस बारह हो जाएगा अब टू टू से x प्लस बारह को गुना करते हैं तो टू एक्स प्लस ट्वेंटी फोर हो जाएगा इक्वल टू थ्री एक्स प्लस बारह दिया गया है अब पक्षांतर कर लेते हैं और चौबीस में बारह घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बारह आ जाएगा अब तीन एक्स में दो एक्स तो एक्स आ जाएगा तो एक्स बराबर बारह वर्ष तो पूछा क्या गया है व्यक्ति की वर्तमान आयु पूछा गया है तो व्यक्ति की आयु कितना था तीन एक्स था तो एक्स बराबर बारह आ गया है तो तीन से बारह को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बारह तीस छत्तीस वर्ष तो पूछा गया है कि व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी होगी तो व्यक्ति की वर्तमान आयु छत्तीस वर्ष हो गई अगर पूछा जाता कि पुत्र की आयु कितनी वर्ष होती तो पुत्र का आयु कितना है बारह वर्ष दोस्तों व्यापम और रेलवे से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन अगले वीडियो में करा दूंगा दोस्तों अगर आप लोग को समय मिलता है तो मेरे वीडियो को आठ या दस मिनट का रहता है तो उसको देख लोगे बहुत कुछ सीख जाओगे ऐसी वीडियो देखने के लिए या ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए दोस्तों मैं इसी तरह के वीडियो आप सबके लिए लाता रहूँगा जैसे एस एस सी रेलवे अब से पूछा जाता है इस टाइप के प्रश्न अपलोड कर दूँगा दोस्तों तो चलिए धन्यवाद